हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी सबटाइटल्स की हेल्प से हम नए सेंटेंसेस, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें, जो भी आपको लगता है यूज़फुल है आपके लिए आप उसको नोट कर सकते हैं, ताकि आप ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मुझे बताओ कि तुम मुझसे विमान में क्यों भागे। ठीक है, मुझे बताओ। तो जिसमें दो सेंटेंस है, सबसे पहला सेंटेंस है कि मुझे बताओ। ये जो सेंटेंस है इतना सा डू वाला सेंटेंस है, जहां पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। सिंपल होगा तो डू छुप जाएगा, सो टेल मी, बस इतना सा ही है, मुझे बताओ। इसी का नेगेटिव अगर होता कि मुझे मत बताओ, सो डोंट टेल मी, फिर ये आ जाता। लेकिन यहां पे इसने बोला मुझे बताओ, टेल मी। अब ये जो की है इसके लिए आप दैट लगा सकते हो और चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। मैंने इग्नोर कर दिया। तुम मुझसे विमान में क्यों भागे। अब देखिए सेंटेंस जो है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन स्पोकन में ऐसे बहुत मिलेंगे। मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई थी कि ग्रामर सीखना पहले बहुत ज़रूरी है स्पोकन के लिए, नहीं है, नहीं है, मैंने तब भी बोला था। पूरी वीडियो आप देख सकते हो, चैनल के ऊपर है, 3-4 दिन पहले की होगी। लेकिन ये जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है, अगर आप कोई मेल लिख रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, किसी बुक में कुछ लिख रहे हो, तो वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, ये स्पोकन में है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है कि तुम मुझसे विमान में क्यों भागे, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो फॉर्मेशन क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आता क्यों, वाई, फिर मेन वर्ड आता डिड, फिर डूअर आता यू, और फिर एक्शन आता रन, रन अवे, दूर भागना। सो सेंटेंस बनना चाहिए था वाई डिड यू रन अवे फ्रॉम मी ऑन द प्लेन, प्लेन में। अब प्लेन में की जब हम बात करते हैं तो इन नहीं होता, वो ऑन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पोकन में हमने क्या करा, डिड छुपा दिया एक्शन के अंदर और सेकंड फॉर्म बना दी, वाई यू रैन अवे फ्रॉम मी ऑन द प्लेन। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन स्पोकन में ऐसे सेंटेंसेस बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने जो करेक्ट है ग्रामेटिकली वो भी बता दिया, और जो स्पोकन में इस तरीके से बोला गया वो भी बता दिया। ठीक है, सो वाई यू रैन अवे फ्रॉम मी ऑन द प्लेन, ये भी स्पोकन के हिसाब से ठीक है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। और ग्रामेटिकली देखो, वाई डिड यू रन अवे, तब डिड बाहर निकलेगा और रैन की रन बन जाएगी, ये सेकेंड फॉर्म है। लेकिन जब डिड बाहर निकलेगा तो फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी, वाई डिड यू रन अवे फ्रॉम मी ऑन द प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे लगा तुमने मुझे ठुकरा दिया। अब ठुकराने का मतलब रिजेक्ट करना। ठीक है, दो सेंटेंस है और दोनों ही आपके पास्ट इंडेफिनिट है। मुझे लगा, कैसे लगा, सोच के, आई थॉट, थिंक के अंदर डिड छुपा हुआ है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड थिंक, ये आना चाहिए था, लेकिन सिंपल में डिड छुपता है और सेकेंड फॉर्म बन जाती है। आई थॉट, मुझे लगा तुमने मुझे ठुकरा दिया। ठीक है, तो यहां पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है यहां पे, तुम, यू, फिर डिड, और ठुकराने का मतलब रिजेक्ट। ठीक है, फिर मुझे, मी, तो यू डिड रिजेक्ट मी आना चाहिए था, लेकिन सिंपल में डिड छुप गया, यू रिजेक्टेड मी। सो मुझे लगा तुमने मुझे ठुकरा दिया, आई थॉट यू रिजेक्टेड मी। मैं डर गया था। अब इस चीज को आप चाहो सो सिंपल पास्ट में बना दो, चाहो तो एक्शन के तौर पे बना दो। एक्शन के तौर पे अगर बनाओगे सो क्या बनेगा, गेट लग जाएगा, आई गॉट स्केयर्ड, तो गेट के अंदर डिड छुपेगा, गॉट बन जाएगा, आई गॉट स्केयर्ड, मैं डर गया था। सिंपल अगर आपको सिंपल में बनाना है, आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर गया था, मैं डरा हुआ था, आई वॉज अफ्रेड। स्केयर्ड का मतलब अलग जाएगा, वो एक्शन के साथ आपका आएगा। अगर मैं एक सिचुएशन की बात कर रहा हूं, सो आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था। ठीक है, आई वॉज अफ्रेड। अभी कहते तुम डरपोक हो, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया था। सो जो पहला है तुम डरपोक हो, ये तो आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, जहां पे हम किसी की स्टेट बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, बस। सो तुम डरपोक हो, किसकी बात कर रहे हैं, तुम की, यू, उसके साथ मेन वर्ड लगेगा आर। अब तुम क्या हो, एक डरपोक, कावर्ड, अ कावर्ड, यू आर अ कावर्ड। ठीक है, कि तुम डरपोक हो, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया था, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जहां पे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। सो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, जब भी कोई सवाल हो जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूं, या फिर क्या शुरू में लग रहा है और हाँ या ना वाला सेंस भी आ रहा है, तो पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। ठीक है, सो क्या मैंने तुम्हें डरा दिया था, पहले मेन वर्ड आएगा, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड, डिड, फिर डूअर आई, एक्शन स्केयर, सो डिड आई स्केयर यू, क्या मैंने तुमको डरा दिया था, डिड आई स्केयर यू। सो पूरा सेंटेंस बना, तुम डरपोक हो, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया था, यू आर अ कावर्ड, डिड आई स्केयर यू।
मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ठीक है? अब यहाँ पे वही कि मुझे कुछ करना है, अब यहाँ पे नीड टू, हैव टू, वॉन्ट टू, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है? कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ बताना है। सो सेंटेंस जो होते हैं ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं, या फिर आप ये मान के चलो कि जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो वो वाला है कि मैं अपने आप को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मान के चलो आप कि यहाँ पे डू डज ही लगता है, कि उसे कुछ बताना है तो डज लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मुझे कुछ बताना है। अब अगर बताने की, देखो ऐसी है कि बताने की जरूरत है तो नीड टू, अगर एक मजबूरी में बताना है सो हैव टू, अगर मैं चाहता हूं तो वॉन्ट टू। यहां पे मजबूरी का सेंस आ रहा है क्योंकि बात ही ऐसी है जो उसको बतानी है कि मुझे वो बतानी पड़ रही है, मैं जो कुछ बतानी पड़ती है तुम्हें बात, सो आई हैव टू टेल यू समथिंग, ठीक है? डूअर मेन वर्ड एक्शन, यहां पे मेन वर्ड जो है वो, यहां पे मेन वर्ड क्या है, डू है, जो डू छुपा हुआ हैव टू में, और एक्शन क्या है, बताना है, ठीक है? सो हैव टू टेल, ये पूरा लगेगा, सिर्फ टेल नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हैव टू वाला है कि बताना पढ़ने वाला, जो पढ़ने का सेंस है ना यहाँ पे वो एक्शन है, ठीक है? जैसे अगर इसका सिंगुलर बनाओ, ही हैज टू, ठीक है? तो यहाँ पे डस छुपा हुआ हैव के अंदर, तो वो हैज बन गया। सो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आई हैव टू टेल यू समथिंग, आई नीड टू टेल यू समथिंग, दोनों ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग भी हो जाता है, लेकिन अगर कोई अच्छी खबर है तब आई वॉन्ट टू लगेगा, लेकिन यहाँ पे मजबूरी वाला सेंस है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आई हैव टू टेल यू समथिंग। मेरा 16 साल का बेटा और बीमार माँ मॉस्को में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा 16 साल का बेटा और बीमार माँ मॉस्को में मेरा इंतजार कर रहे हैं। सेंटेंस बहुत लंबा लग रहा है ना, लेकिन बहुत इजी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कि प्रेजेंट में कोई चीज चल रही है, इज एम आर लगेगा, ठीक है? और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगी, कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो यहां पे रूल पकड़ो, क्या इसमें नहीं है? नहीं। क्या ये क्वेश्चन है? नहीं। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल का रूल क्या है, डूअर मेन वर्ड एक्शन सेम। यहां पे डूअर कौन है, करने वाला कौन है? मेरा 16 साल का बेटा और मेरी बीमार माँ, ये है करने वाले। सो पहले डूअर आएगा, माई 16-year-old सन एंड सिक मदर, आ गया डूअर। अब आएगा मेन वर्ड, क्या ये सिंगुलर है, दो लोग हो गए ना तो प्लूरल हो गए, सो आर लगेगा आर। अब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, एक्शन क्या है, इंतजार करना, सो वेटिंग, ठीक है? बस। सो माई 16-year-old सन एंड सिक मदर आर वेटिंग। अब बाकी का चीज मेरा कर रहे हैं मॉस्को में, वेटिंग फॉर मी इन मॉस्को, ठीक है? सिंपल सेंटेंस है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। मैं कल मॉस्को जा रही हूं, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू मॉस्को टुमारो, ऐसे आप बना सकते हो। आई एम लीविंग टुमारो फॉर मॉस्को, ये भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यही बनाया है कि लीविंग, आई एम लीविंग फॉर समथिंग, तो मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज के लिए छोड़ रहा हूँ, ये भी सही है कि मैं कल मॉस्को के लिए जा रही हूँ, ये भी सही है। जैसे कि मैं बोलूँ अपना बैग वैग पैक कर लिया और किसी ने बोला कहाँ जा रहा है, भाई आई एम लीविंग फॉर होम, मतलब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, यहाँ से घर के लिए जा रहा हूँ, मैं जो ये जगह छोड़ रहा हूँ ये घर के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, तो ये एक सेंस होता है यहाँ पे, ठीक है? आई एम गोइंग मॉस्को टुमारो, आई एम गोइंग टुमारो फॉर मॉस्को, आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, लेकिन लीव का यूज़ यहाँ पे सीखना ज़रूरी है। आई एम लीविंग टुमारो, मैं कल जा रही हूँ, कहाँ, आई एम लीविंग टुमारो फॉर मॉस्को, मॉस्को के लिए मैं ये जगह छोड़ के कल जा रही हूँ, ये वाला सेंस है, ठीक है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड लगेगा एम, एक्शन क्या है, जाना, सो आई एम गोइंग टू मॉस्को टुमारो या फिर आई एम लीविंग टुमारो फॉर मॉस्को, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये है, अब कहता है कि तुम बाद में जा सकती हो, ठीक है? अब सेंटेंस कौन सा है, सकता है, सकती है, कैन वाला सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कैन वाला, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन सिंपल, डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड क्या लगेगा, कैन, एक्शन क्या है, जाना, यू कैन गो लेटर, बाद में, यू कैन गो लेटर, तुम बाद में जा सकती हो। अभी कह रहे वो मुझे कल हवाई अड्डे पर ले जाएगा, अब यहां पे देखो ले जाने के लिए ही विल टेक मी टू, यहां पे आप ये लगा सकते हो ही विल टेक मी टू द एयरपोर्ट, ये भी चीज सही है। अब अगर मैं गाड़ी से किसी को ले जा रहा हूं सो वहां पे आप सिर्फ ड्राइव का यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं कहीं से निकला, मैं कहीं से जा रहा हूं और किसी ने मुझसे पूछा भाई ऑफिस कैसे जाओगे, मैं बोला नो प्रॉब्लम आई विल ड्राइव, उसने मुझे बोला कि आई कैन ड्रॉप यू, मैं बोलूंगा नो 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 आई विल ड्राइव,
तो आई ड्राइव का मतलब मैं गाड़ी से चाहूंगा ड्राइव करके, इसमें पूरा सेंस आ जाता है। तो यहां पे आप समझने की कोशिश करो, फ्यूचर इनडेफिनिट सेंटेंस है, डू और मेन वर्ड एक्शन, ही फिर विल, फिर एक्शन क्या है, ही विल ड्राइव, ठीक है, इतना समझ गया कि वो गाड़ी से लेकर जाएगा, ही विल ड्राइव मी, मुझे ड्राइव करेगा, मतलब वो मुझे गाड़ी से लेकर जाएगा कहां तक, ही विल ड्राइव मी टू द एयरपोर्ट टुमारो, कि वो कल मुझे हवाई अड्डे लेकर जाएगा, समझ रहे हो, ये वाला सेंस है। कैन आई, अगर मान लो कोई जा रहा है और मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, मैं उसको बोलूं कि मैं तुम्हें घर छोड़ जाऊं गाड़ी से, तो पूरा इतना बोलने के जगह कैन आई ड्राइव यू टू योर होम, सिंपल। सो कैन आई ड्राइव यू टू समवेयर, मतलब क्या तुम्हें मैं गाड़ी में बैठा के कहीं लेकर जा सकता हूँ, वो सेंस आता है, ठीक है, ऐसे। तो ही विल ड्राइव मी टू द एयरपोर्ट टुमारो, वो कल हवाई अड्डे पर लेकर जाएगा, कब वो, कब वो मुझे कल हवाई अड्डे पर लेकर जाएगा, ठीक है। इस तरह के आप दो चार सेंटेंसेस देखो कमेंट बॉक्स में बना के, आपको समझ में आएगा, बहुत इजी फॉर्मेशन है। अब यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, एक बार ना एक सेंटेंस आया था, वहां साइकिल की बात थी, ठीक है, तो उस सेंटेंस में पता क्या था, आई बाइक होम, उसने लड़के ने बोला कि आई विल बाइक होम। अब बाइक होम का क्या मतलब है, वो बाइक से जो अपनी साइकिल है उससे घर जाएगा, तो उसने बाइक को ही वहां पे एक एक्शन बना दिया, आई विल बाइक होम, ठीक है, वो मुझे याद आ गया अभी। मुझे दुख है मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकी, अब यहां पे सकी आएगा, ये नहीं बिता सकी, नहीं सकी थी वो वाला, तो कुड का सेंटेंस है ये, ठीक है। तो दो, इसमें दो सेंटेंस है, पहला मुझे दुख है, आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे दुख है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकी। तो जब ये सकी की बात चल रही है तो कैन का पास्ट हो गया कि पास्ट में कोई चीज नहीं हो सकी, ठीक है, तो कुड का यूज होगा। फॉर्मेशन क्या रहेगी, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, फॉर्मेशन ये रहेगी। सो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकी, डूअर कौन है, मैं, आई, फिर कुड लगेगा, कुड के साथ नॉट लगेगा, आई कुड नॉट, अब एक्शन लगेगा, एक्शन क्या है, बिताना, समय बिताना, ठीक है। सो आई कुड नॉट स्पेंड मोर टाइम विद यू, मैं तुम्हारे साथ और समय नहीं बिता सकी, इस बात का मुझे दुख है, सो आई एम सॉरी, आई कुड नॉट स्पेंड मोर टाइम विद यू, सिंपल। अब ये कह रहे तुम्हारी खुशी पहले आती है इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था, ठीक है, दो सेंटेंस है, पहला जो है तुम्हारी खुशी पहले आती है, ये सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है, ताहे तीहे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तुम्हारी खुशी सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो डज छुपेगा एक्शन में और एस या ईएस बन जाएगी, ठीक है। सो फॉर्मेशन क्या होती है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, सिंपलली डूअर कौन है, तुम्हारी खुशी जो पहले आती है वो डूअर है, तुम्हारी खुशी, योर हैप्पीनेस, मेन वर्ड क्या है, डज, एक्शन क्या है, आना, तुम्हारी खुशी पहले आती है, तो योर हैप्पीनेस डज कम फर्स्ट, ये बनना चाहिए था, लेकिन डज छुपेगा कम के अंदर, योर हैप्पीनेस कम्स फर्स्ट, अब कम में एस लग गया क्योंकि डज छुपा हुआ है, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे सो योर हैप्पीनेस डज नॉट कम फर्स्ट आ जाएगा, तो वो कम के अंदर जो एस लगा हुआ है वो हट जाएगा क्योंकि डज बाहर आ गया। सो यहां पे इसने बोला योर हैप्पीनेस कम्स फर्स्ट, तुम्हारी खुशी पहले आती है इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। अब इसीलिए के लिए हम यूज करते हैं दैट्स वाई, सो का भी यूज चल जाता है, कई बार आप सो का भी यूज देखोगे, लेकिन मोस्टली दैट्स वाई, दैट इज वाई, इसीलिए, ठीक है, दैट इज वाई मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। अब सेंटेंस ये है, ठीक है, सो ये जो सेंटेंस है मैंने तुम्हें यहां बुलाया था, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो फॉर्मेशन क्या होगी, वही डूअर मेन वर्ड एक्शन, मैंने बुलाया था, तो डूअर तो मैं हो गया, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, अब जो एक्शन है वो है बुलाना। अब यहां पे या तो आप कॉल्ड बोल दो, लेकिन अपने घर पे जब बुलाते हो इनवाइट में आता है, ठीक है, तो यहां पे मैंने इनवाइट का यूज करा है, सो आई डिड इनवाइट यू हेयर आना चाहिए था, लेकिन सिंपल में डिड छुपेगा इनवाइट के अंदर और उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी, आई इनवाइटेड यू हेयर, ठीक है। सो तुम्हारी खुशी पहले आती है इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था, योर हैप्पीनेस कम्स फर्स्ट, दैट्स व्हाई आई इनवाइटेड यू हेयर, आई इनवाइटेड यू हेयर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मुझे लगा कि तुम्हें है यहाँ पे, मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ अपना आत्मसाथी मिलेगा। अब ये हिंदी में यार इतनी क्यों गलती हो रखी है, तो मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ अपना आत्मसाथी मिलेगा, मिलोगी नहीं, या फिर तो ये होता तुम यहाँ अपने आत्मसाथी से मिलोगी, ठीक है, ये मैं इस तरीके से कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, इसको मैं सही कर दूंगा। मुझे लगा कि तुम यहाँ अपने आत्मसाथी से मिलोगी, अब आत्मसाथी मतलब सोलमेट,
इसको हम लाइफ पार्टनर ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो मुझे लगा कि तुम यहां अपने आत्म साथी से मतलब सोलमेट से मिलोगी। तो जो पहला है मुझे लगा, अब ये कैसे लगा, मतलब मैंने महसूस किया फील से। सो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल। तो यहां पे आई डिड फील आना चाहिए था, डू और मेन वर्ड एक्शन, लेकिन डिड छुप जाएगा फील के अंदर, उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी फेल्ट। सो आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि दैट, दैट लगाओ या इग्नोर कर दो, आपकी कॉल है, मैंने लगा दिया। आई फेल्ट दैट कि तुम यहां अपने आत्म साथी से मिलोगी। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। आप यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक नोटिस करो, क्योंकि मुझे यहां पे एक मिस्टेक लग गई, मैंने यहां एक मिस्टेक पकड़ लिया जो कि सबटाइटल में गलती थी, ठीक है। यहां पे विल नहीं आएगा, यहां पे वुड आएगा। क्यों आएगा वुड, पास्ट में बैठ के जब मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं वहां वुड लगता है, यहां विल नहीं लगेगा, वुड लगेगा। चलो अच्छा हुआ ये गलती हो गई कि आपको अब पता चला, वरना आप भी विल पढ़ लेते। अब विल वहां पे मैंने टोका कि ना, यहां तो वुड आएगा, ठीक है। सो आई फेल्ट, अब यही होता है कई बार ना, मैं बनाते टाइम इतना ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन जब पढ़ा रहा होता हूं ना, तब मुझे एक एक चीज को देखना पड़ता है। तो यहां पे क्या गलती कर दिया है, यहां पे विल लगा दिया है, आएगा वुड, ठीक है। क्योंकि पास्ट में बैठ के अगर मैं, आज होगी तुम्हारा 29th हो गई, मैं बात करूं कि मैं 27th को बैठ के 28th के बारे में कुछ सोच रहा था, तो वो वुड में आएगा। तो मुझे लगा तुम यहां अपने आत्म साथी से मिलोगी। सो आई फेल्ट दैट यू वुड, ठीक है। तो वुड बनेगा, यू वुड मीट योर सोलमेट हेयर, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, तो यहां पे तुम अपने जीवन साथी से मिलोगी। सो यू, फिर मेन वर्ड लगेगा है वुड, अब एक्शन आएगा मिलना, मीट योर सोलमेट हेयर, अपने जीवन साथी से या फिर अपने आत्म साथी से यहां मिलोगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये तुम एक फरिश्ता हो। अब देखो फरिश्ता या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, अंतर्यामी, एक भविष्य वर्ता, कि भाई जो मैं बोल देता हूं वो सच हो जाता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सीर, SEER। सो तुम एक फरिश्ता हो, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। पहले किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो यू की बात कर रहे हैं तुम, फिर आर क्या है, एक फरिश्ता, असीर, ठीक है। सो यू आर असीर, तुम एक फरिश्ता हो। अब देखो यहां पे आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, उठते ही वो चला गया उसने, अब ये चले नहीं है, चाय है ये, उसने चाय भी नहीं पी होगी, ठीक है, चाय है यहां पे। उठते ही वो चला गया, अब जो ये जो सेंटेंस है ना, ये करते ही, सो एज सून एज का यूज होता है, कि वीडियो बनाते ही मैं खाना खाऊंगा, सो आई ईट फूड एज सून एज आई कंप्लीट माई वीडियो, ठीक है। सो यहां कौन सी बात चल रही है, ये बात चल रही है पास्ट की, ठीक है। ही लेफ्ट वो चला गया, कब चला गया, ही लेफ्ट एज सून एज ही वो कब, जैसे ही वो जागा। सो दोनों ही आपके पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कि ही लेफ्ट एज सून एज ही वो कब, कि वो चला गया जैसे ही वो जागा, मतलब जागते ही चला गया, उठते ही चला गया, ठीक है। सो दोनों सेंटेंस है यहां पे, और दोनों पास्ट इंडेफिनिट में लगेंगे, ठीक। तो यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसको कैसे बनाओ, उठते ही वो चला गया, ही लेफ्ट एज सून एज ही लेफ्ट वो चला गया, एज सून एज जैसे ही वो कब, वो जागा, ऐसे बनेगा। उसने चाय भी नहीं पी होगी, अब हम एक अंदाजा लगा रहे, अंदाजा लगाते हैं ना कि वो ये कर रहा होगा, वो उसने ये नहीं किया होगा। अब जब अंदाजा लगाते हैं तो उसमें भी गागी गे आता है, लेकिन ये फ्यूचर के सेंटेंस नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि मैं किसी के साथ बैठा हुआ, मैं बोलूं यार लग तो ना रहा है नहाया भी होगा, ठीक है। सो वो जो गागी गे का सेंस आ रहा है वो आपका वुड लेकर चलता है, उसने चाय भी नहीं पी होगी। सो डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, ठीक है। अब चाय, अब जहां जो देखो एक चीज और देख लो यहां पे, भी जिस चीज के बाद में आ रहा है, चाय भी नहीं पी होगी, चाय के बाद भी आ रहा है, सो टी से पहले इवन आ जाएगा, ठीक है। सो ही वुड नॉट इवन हैव टी, उसने चाय भी नहीं पी होगी, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो कौन है, ये तो सिंपल सा है आपका, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन। सो हु इज ही, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, और किसकी बात कर रहे हैं, एक्शन तो होता नहीं है ना, डूअर होता है इसमें। सो जिसकी बात कर रहे हैं वो, और अगर कि उसकी सिचुएशन की बात हो रही होती तो ही के बाद वो आ जाता, लेकिन यहां पे सिर्फ इतना है वो कौन है, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड कौन, हु, मेन वर्ड इज, अब किसकी बात चल रही है, वो की, ही, हु इज ही, वो कौन है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। अब ये जो करनी है, अब यहां पे मन की बात चल रही है, ना मजबूरी है ना जरूरत है, अरे मुझे नहीं करना, मतलब मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करना चाहता,
समझ में आ रहा है, यहाँ पे वॉन्ट टू का यूज होगा, और मैं बता रहा हूँ कि इसमें डू ही लगते हैं और डू डज ही लगते हैं इन सेंटेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही आते हैं कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। सो आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे जो एक्शन है ना, यहाँ बात नहीं है एक्शन, एक्शन है यहाँ पे करना चाहना, वो चाहना जो है वो है एक्शन, कि मुझे नहीं करनी इस बारे में बात। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन यही आता है। सो डूअर आए मेन वर्ड डू उसके साथ नॉट, ठीक है नॉट, और फिर एक्शन आएगा यहाँ पे वॉन्ट टू, कि कोई चीज चाहना, वॉन्ट टू टॉक, कि आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ अबाउट इट, इसके बारे में। सो जैसे मतलब मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है, तो मतलब मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट, ये कह रहे तुम्हारा बेटा भी अजीब हरकतें कर रहा है, ठीक है तुम्हारा बेटा भी अजीब हरकतें कर रहा है। अब इस अजीब हरकतों को हम कैसे बोलेंगे, एक्टिंग वियर्ड, ठीक है। वियर्ड का मतलब होता है अजीब, अब हरकतें करना कोई ऐसे तो एक्ट मतलब वो उस तरीके का बिहेव, आप बिहेव लगा सकते हो कि अजीब व्यवहार कर रहा है, योर सन इज एक्टिंग या बिहेविंग स्ट्रेंज, आप ऐसे लगा सकते हो, तो कई तरीके से बन जाते हैं। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल, तो एक्शन में आई एन जी आएगी और इज एम आर का यूज होगा। सो सिंपल रूल रहेगा डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है तुम्हारा बेटा, योर सन, ठीक है। ऑल्सो हमने यही लगा था, योर सन ऑल्सो तुम्हारा बेटा भी, ठीक है। सो डूअर है तुम्हारा बेटा भी, योर सन ऑल्सो, मेन वर्ड सिंगुलर है तो इज, ठीक है। सो इज लगेगा, योर सन ऑल्सो इज, अब यहाँ पे एक्शन क्या है, एक्टिंग मतलब बिहेव करना, या तो बिहेव बिहेविंग लगा दो या फिर एक्टिंग लगा दो, एक्टिंग अब अजीब हरकत है, एक्टिंग वियर्ड, एक्टिंग स्ट्रेंज आप ऐसे लगा सकते हो। सो योर सन इज ऑल्सो एक्टिंग वियर्ड, तुम्हारा बेटा भी अजीब हरकतें कर रहा है, शायद हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ना एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूँ, एक वीडियो में और आई थी ये चीज काफी टाइम पहले, मैंने बताया था, देखो शायद हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, तो कोई चीज करनी चाहिए, सलाह की बात चल रही है, तो शुड वाला सेंटेंस है ये तो क्लियर है, ठीक है। सो मे बी, शायद के लिए मे बी लगा दिया, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सो वही रूल रहेगा डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, डूअर कौन है हम, हमें, वी, मेन वर्ड लगेगा शुड क्योंकि वो चाहिए वाला सेंटेंस है, वी शुड एक्शन है ले जाना, वी शुड टेक हिम, ठीक है हमें उसको ले जाना चाहिए कहाँ, टू द डॉक्टर, आप डॉक्टर पे भी खत्म कर सकते हो, लेकिन इस डॉक्टर के बाद एपोस्ट्रॉफी एस जो है इसका मतलब क्या, डॉक्टर के, डॉक्टर के पास, बस। अगर मैं बोलूँ ना कि आई एम गोइंग टू राहुल्स, एपोस्ट्रॉफी एस राहुल्स, तो मैं राहुल के जा रहा हूँ, मैंने होम नहीं लगाया, ऑफिस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ इतना बोला आई एम गोइंग टू राहुल्स, ठीक है। ऐसे ही यहां पे डॉक्टर के ले जाना चाहिए, डॉक्टर के घर, डॉक्टर के ऑफिस, कुछ नहीं बोला, क्लिनिक व्लिनिक कुछ नहीं, सिर्फ डॉक्टर के, डॉक्टर के पास। सो इस तरह से एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। सो वी शुड टेक हिम टू द डॉक्टर्स, मे बी वी शुड टेक हिम टू द डॉक्टर्स, शायद हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट देख, लेकिन पहले मैं उसके स्कूल फोन करती हूं। अब ये जो ता है ती है आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि इसका जनरल काम नहीं है ये कि स्कूल फोन करती हूँ, नहीं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये चीज मैंने कई बार बताई, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो रेगुलर तो आपको पता होगी कि ता है ती है हम लगा देते हैं, लेकिन वो काम फ्यूचर में होता है, शायद अगले सेकेंड, अगले मिनट, ठीक है। मान लीजिए आपके बराबर में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, कोई बुजुर्ग इंसान है, और उनके हाथ से कुछ गिर गया, वो कोशिश कर रहे हैं उठाने की, आपने बोला रुक जाओ मैं उठा देता हूँ, तो आपने बोला मैं उठा देता हूँ, क्या आपका जर्नल काम है, नहीं, अब उस काम का फ्यूचर में करोगे, शायद एक सेकंड बाद, दो सेकंड बाद, लेकिन वो फ्यूचर में होगा। सो ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, ठीक है, कि आपको देखना होगा कि ये काम जर्नल अगर मैं करता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते हो, तो ये तो होते हैं जर्नल काम, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। लेकिन अगर मैं, मान लीजिए किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, और मैंने बोला कि ठीक है बना देता हूँ, तो जब मैंने बोला बना देता हूँ तो मतलब मैं बनाऊंगा उसको, तो वो फ्यूचर का हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ी ना वीडियोज बनाता रहता हूँ, अलग अलग मैं बनाता हूँ, लेकिन पहले मैं उसके स्कूल फोन करती हूँ, मतलब अब करेगी उसके स्कूल फोन, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। बट लेकिन फर्स्ट पहले, बट फर्स्ट लेकिन पहले मैं उसके स्कूल फोन करती हूँ, सेंटेंस यहां से शुरू है। सो आई विल कॉल हिज स्कूल, मैं उसके स्कूल में फोन करती हूँ, आई विल कॉल हिज स्कूल, मैं उसके स्कूल को फोन करती हूँ, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डूअर मेन वर्ड विल, कॉल है यहाँ पे फोन करना एक्शन, ठीक है। सो आई विल कॉल हिज स्कूल। ये कह रहे क्यों हमारा लड़का कभी झूठ नहीं बोलता, Why? हमारा लड़का कभी झूठ नहीं बोलता,
तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कि ता है ती है और ये जनरल चीज आ रही है, ठीक है, कि वो झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। सो यहाँ पे कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे, नॉट बाहर निकल कर नहीं आएगा, सिर्फ नेवर का यूज होगा और डज छुपेगा एक्शन के अंदर, ठीक है जी। सो सेंटेंस क्या बनेगा, वही डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि नॉट नहीं कभी नहीं के लिए हम नेवर लगा देंगे, नॉट बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। डूअर कौन है, हमारा लड़का, अवर बॉय, अवर बॉय। एक्शन क्या है यहाँ पे, कभी झूठ नहीं बोलता, सो डज छुप जाएगा इसके अंदर, लाई के अंदर। सो अवर बॉय नेवर लाइज, ठीक है, नेवर लाइज, कि हमारा लड़का कभी झूठ नहीं बोलता, अवर बॉय नेवर लाई के अंदर डज छुपा हुआ है और वो लाइज बन गया, ठीक है, इस तरीके से कि हमारा लड़का कभी झूठ नहीं बोलता। अगर इसमें मान लीजिए कभी नहीं होता, मतलब कभी नहीं को हटा दो, सिर्फ ऐसा होता कि हमारा लड़का झूठ नहीं बोलता, तब क्या, तब सेंटेंस बनता आवर बॉय डज नॉट लाई। अब ये लाई के अंदर से एस हट जाता और डज बाहर निकल जाता, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं के लिए हमने नेवर लगा दिया और डज छुपा दिया। सो वाई, क्यों, हमारा लड़का कभी झूठ नहीं बोलता, आवर बॉय नेवर लाइज, आवर बॉय नेवर लाइज, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।